हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमर प्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन लोगों का पेनिस, जिन लोगों का लिंग थोड़ा छोटा हो और उनके फीमेल पार्टनर उनसे शिकायत करते हो कि वो पूर्ण रूप से आनंदित नहीं हो पाती, उनको किस आसन में संभोग करना चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जिन लोगों का पेनिस, जिन लोगों का लिंग थोड़ा छोटा हो या थोड़ा पतला हो, उनके लिए दो आसन सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर वो इन आसनों का प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा, वो अपने फीमेल पार्टनर की शिकायत दूर करने में काफी हद तक कामयाब हो पाएंगे। सबसे पहला आसन है कि जब आपके फीमेल पार्टनर लेटते हैं तो जो उनके हिप्स हैं उनके नीचे एक तकिया रख दें। तकिए की ऊंचाई काफी ज्यादा होनी चाहिए और जो तकिए की चौड़ाई है वो बहुत कम होनी चाहिए। मतलब कि जो ऐसे स्लोप बने, जो स्लोप का एंगल है वो एकदम से वहां से उठना चाहिए और एकदम से ही गिरना चाहिए। मतलब कि सिर्फ उतना पार्ट ही उठे, बाकी पार्ट नहीं उठे। तो इससे जो उनका जी स्पॉट है जहां पर जाकर लिंग टकराना चाहिए, तो आपके फीमेल पार्टनर को आनंद का अनुभव होता है, वो पार्ट ऊपर उठ जाएगा और जो उनकी वजीना है, जो उनकी योनी है, उसमें थोड़ा सा खिंचाव भी आ जाएगा जिससे वो थोड़ी टाइट हो जाएगी और आप उनको आनंदित कर सकेंगे। तो दूसरा आसन है वो आप डॉगी स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। डॉगी स्टाइल के अंदर भी जो उनका सर है वो बिल्कुल बेड से लगा होना चाहिए और जो उनकी हिप है वो बिल्कुल ऊंची होनी चाहिए। जो उनकी पीठ है वो सीधी नहीं, वो थोड़ी सी गोलाई में, थोड़ी कर्व्ड होनी चाहिए। तो अगर इस मुद्रा के अंदर आपके फीमेल पार्टनर होंगे तो इससे भी जो जी स्पॉट होगा वो थोड़ा आगे को शिफ्ट हो जाएगा और जो उनकी वजीना है उसमें काफी खिंचाव आ जाएगा जिससे उसमें थोड़ी टाइटनेस आ जाएगी और आप अपने फीमेल पार्टनर को आनंदित कर सकेंगे। तो ये दो आसन हैं जिनका आप प्रयोग करके आप इस मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं, आपको काफी हद तक फायदा होगा। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।